हार के जलाल में गुस्से में देखने लगे। हुजूर की नजर पड़ गई सोने पीर की। आपने कहा आने तो ऐसे प्यार से बैठा। तो आपने प्यार से पूछा क्या आए हो? तो वो मुरीद बनने आया हूं ये कहने के बदले में वो घबरा गया ना, तो ये कहने लगा कि पीर बनने आया हूं। तुम्हारे पीर ने मुझे कहा है कि पीर बन के आ। सुभान अल्लाह, हुजूर की कैफियत बदल गई। कहा क्या आया है और एक बार बोल। लोग हैरान कि ये क्या। बोले तुम्हारे पीर ने कहा था मैं पीर बन के आ, तू भी पीर बन के आ। हाय हाय, आपकी कैफियत एक अजीब होने लगी। आपने घर वालों से बोला, कहा कि जाओ वो दस्तार पगड़ी लेकर आओ, जो दस्तार मुझे मेरे पीर ने पहनाई थी, जो दस्तार मेरे पीर ने पहनाई थी, पीर गरीब नवाज के पीर ने पहनाई थी, जो हम तक पहुंची है। और एक कैफियत जारी हो गई, एक मस्त माहौल बन गया, अजीब आपको कैफियत होने लगी। और फिर फरमाया, लोगो लोग तो मुरीद बनने आते हैं, ये पीर बनने आया है। अब मेरी बात आप समझिए, खिलाफत से नवाजा, गले लगाया, एक ही नजर में मुरीद नहीं पीर बना दिया। तो ये कुछ अल्फाजों पर ये अल्लाह वाले खुश हो जाते हैं तो काम हो जाता है। अल्लाह वाले कुछ कुछ अल्फाजों में जान दे देते हैं, जैसे और थोड़ा नीचे आए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का के मुरीद बाबा फरीद गंज शकर, और खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की गरीब नवाज के लिए एक जगह पानी लेने के लिए गए। मौसम ठंडा था, वुजू करना था, झुपड़े में पीर थे वो भी बड़े गरीब नवाज। कहा हुजूर मैं कुछ कोयला लेकर आता हूँ ताकि ठंड बहुत है, थोड़ा पानी गर्म हो तो ठीक। आपने कहा ठीक है। मगरिब मगरिब का वक्त हो रहा था। यही किस्सा बाबा फरीद का है, बाबा फरीद ने कुतुबुद्दीन के लिए किया। ये शहर जाते हैं, ये जंगल की लकड़ियाँ लाके, मगर है यही अकीदा मोहब्बत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की जवान जवानी से ही अता कर दिया था। गए एक मोहल्ले में जाकर एक दहलीज को दरवाजे को टॉक किया, अंदर से एक औरत बुढ़िया आई फानूस लेकर। कहा क्या बात है, कौन हो? जमान नूरानी चेहरा, अल्लाह वाला जानशीन कुतुबुद्दीन गरीब नवाज का चेहरा देखा तो माई समझ गई कंदील हाथ में। कहा क्या आए हैं? कहा माई कुछ कोयला दे दो, पीर को वुजू कराना है, गर्म पानी चाहिए। अच्छा अच्छा लाती हूँ। फिर ऐसा बोल के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंखें डाल के कहती है, बड़ी चमक वाली आंखें हैं, चलो कोयले लाते हैं, कोयले के बदले में क्या दोगे? बोले माई जो मांगोगे। हाँ, आंखें दोगे क्या? ऐसा करके वो मुड़ गई कोयले लेने। बातों बातों में बात हो गई। ये अल्लाह वाले थे, मुर्शद के लिए जान देने वाले, माल देने वाले, जिंदगी देने वाले, मुर्शिद की राह में अपने आप को खत्म करने वाले ये थे। जो आठ हिस्सा है किताब हस्त बस्त, सारे आठों आठ बुजुर्गों की कहानियां हकीकत के लिखी हुई है। शुरुआत हिंद के वाली गरीब नवाज ने की अपने मुर्शिद के, सारे मलफूजात लिखे, सारे हकीकत लिखी।
गरीब नवाज की हकीकत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हकीकत बाबा फरीद साहब ने लिखी। बाबा फरीद साहब की हकीकत निजामुद्दीन औलिया सरकार ने लिखी। निजामुद्दीन औलिया सरकार ने अमीर खुसरू, इस तरह से आठ बुजुर्गों के सुभानअल्लाह। और ऐसी बातें मिलती है कि दिल नूर से रंगीन हो जाए, जिस्म नूर वाला हो जाए, इताअत मिले, इश्क मिले, ऐसी हकीकत है। खैर वो मुड़ी ये कहते हुए, जैसे कोयला लाई तो क्या देखती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंख एक निकाल कर हाथ में रखी है और दूसरा हाथ में बर्तन है, बोले ले माई, आज एक देता हूं कल दूसरे दूंगा। वो बुढ़िया घबरा गई, हैरान हो गई, ये क्या किया आपने, ले जाओ इसको, आपके बाबा से कहना वो आपको ठीक कर देंगे, मैं ऐसे ही बोली थी, माफ करो, जाओ जाओ जाओ। घबरा गई, एक हाथ में आंख है, दूसरे हाथ में कोयले की थाली है, आ रहे हैं जानशीन गरीब नवाज कुतुबुद्दीन मसाकुस सालेही। हकीकत लिखी है, जैसे झोपड़े पास पहुंचे, जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम देखो, जब झोपड़े के पास पहुंचे तो हुजूर गरीब नवाज झोपड़े के बाहर खड़े थे और कहा बेटा आए संभल के आना, और आंख का क्या किया तुमने, आए हाय, फिर आपने आंख ली, आंख को रखा, अल्लाह रसूल का नाम लिया, जैसी आंख थी ऐसी हो गई। सुभानअल्लाह। ऐसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार के बाबा फरीद ने किया, उसमें जरा सी आंख दब गई तो फरीद ये सिलसिले में आज अक्सर देखा गया है, जो भी जानशीन होता है जरा सी आंख उसकी थोड़ी सी कुदरती भी, और कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि दबी हुई छोटी लगती है। ये सब अल्लाह वालों की बातें हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और इश्क अता फरमाए। हुजूर गरीब नवाज का अमामा, तहमत, कपड़े जहां कहीं भी देखे जाते थे फटे हुए होते थे, पैवंद दगा हुआ होता था, हमेशा पैवंद वाले कपड़े इस्तेमाल करते थे, नरम मिजाज, मोहब्बत वाले। जब लाओ और दाता साहब से आते आते गांव की तरफ गुजर हुआ, वह गांव में 40 लोग आपके साथ थे, गांव में, गांव के बाहर 40 लोग डेरा डाला कि यहाँ कुछ रहें, कुछ खिदमत करें, गांव है, गांव वालों को कुछ दें। उस अंदाज से खाना लंगर बनाया, गांव वाले को दावत दी, गांव वाले आए, वही कोई बाबा पीर साहब आए, अल्लाह वाले आए, लंगर बनाया है, हमें बुलाया है, जाना चाहिए। गांव में गैर मुस्लिम भी, मुस्लिम भी, सबको गरीब नवाज के खुदामों में जाके दावत दी, सारा गांव आया, खाना खा रहा है। सरकार ने पूछा कोई बाकी तो नहीं, कहा कि एक आदमी है जो इस गांव में दलित और नीची कौम का कहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं अपने हया की वजह से, तो कहा नहीं जाओ उससे बुला कराओ। जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, गांव वालों ने बताया यहाँ रहता है, बुलाया, दूर से कहने लगा नहीं बाबा जी आप जाएं, हम तो छोटे आदमी, हम कहीं नहीं जाते, हमारा साया पड़ता है, लोग परेशान होते हैं, हमें दूर दूर भगाते हैं। कहा नहीं,
हमारे मुर्शिद हमारे गुरु जो है नहीं भगाएंगे, हम लोग सबको गले लगाने वाले हैं। बहुत मन्नत से मना किए, लाया गया खाना, लंगर जारी है। कोई गरीब नवाज के सामने बैठा तो दूर बैठा रहा और घबराता रहा, तो गरीब नवाज ने कहा क्यों घबराते हो, आओ मेरे साथ खाना खाओ। बोले नहीं नहीं बाबा जी, अरे कुछ नहीं, सब खुदा की मखलूक है, हम सब इंसान है और हमें इंसानियत सीखना है। वहां लगा साथ में खाना खिलाया, एक लुकमा तोड़ के अपने मुंह से अपने हाथ से दिया। ऐसा प्यार ये अल्लाह वाले करते हैं, सूफी करते हैं। आज तो नाम पर धब्बा लोग लगाते हैं, मगर ये सब ऐसा नहीं होता। सूफी अल्लाह वाले को कोई मतलब नहीं होता, उसको इंसानियत से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वो खुदा की रजा के लिए करते हैं, न उसे जमीन जायदाद कोई और चीज चाहिए, सिर्फ खुदा की रजा को हासिल करने के लिए इंसान से वो इंसान है। और इंसानियत का पैगाम दिखा कर समझा कर उसे मोहब्बत करते हैं, और यही पैगाम आज भी जारी है। 900 साल से भी ज़्यादा हो गया और उस जारी है, लोग आते हैं जाते हैं। एक ऐसी कशिश, ऐसा नूर है मदीने के ताजदार का, अताए रसूल का, सबकी मनोकामनाएं दुआएं मकबूल होती है, हाजतें पूरी होती है। महाराज अल्लाह हमें सब हिदायत दे, मोहब्बत दे। अनवार तजल्यात के नुजूल में एक मतलब कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मुर्शिद पाक ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में मैं एक अरसे रहा और मैंने कभी नहीं देखा कि आपने असरार मोहब्बत दोस्त के मतलब कभी कुछ बयान न किया हो, और जो भी अनवार तजलियात आप पर नाजिल होते उनका मामूली भी जिक्र किया और समझाया। कुतुबुल अख्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मुर्शिद पाक ख्वाजे ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सफर हज पर था। हज की शहादत के बाद हम लौटे एक शहर, हमारा क़याम हुआ, हमने एक गार में एक बुजुर्ग को देखा जिनकी आंखें खुली हुई, वो आसमान की तरफ देख रहे थे और सूख कर कांटा हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे सूखी लकड़ी हो। यह हाल देखकर हुजूर ख्वाजे ख्वाजा ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक ने कहा, यहाँ कुछ दिन कयाम करें। हमने कुछ दिन कयाम किया, फिर हम वहाँ एक महीना करीब रहे। एक महीने के बाद वो बुजुर्ग सिर्फ एक दफ़ा होश में आए और हमें आकर सलाम किया और कहा, दोस्त की वजह से दोस्त को होश में लाकर दोस्त की मुलाकात का हुक्म आया है, यानी अल्लाह ने मुझे होश दिया आपसे मिलूं आपसे बात करूं। फिर
मुर्शद पाक को मुझे बैठने को हुक्म दिया। हम बैठे हैं, हमारी बात शुरू हुई तो कहने लगे वो अल्लाह वाले, मैं शेख मोहम्मद असलम तौसी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद में से हूँ और 30 बरस से मोहब्बत आलम में इस राफ में हूँ, आलम में महजूबियत में हूँ, कोई होश नहीं है, न दिन को दिन जानता हूँ न रात को रात जानता हूँ, मुझे बस तुम्हारे सबब अभी होश दिया गया कि मैं महबूब लोगों की, अजीज लोगों की मुलाकात करूँ। फिर फरमाया जाओ आप लौट जाओ, अल्लाह तुम्हें अजर दे, लेकिन एक बात याद रखना, हर वक्त हमेशा खिदमत खल्क करना और लोगों को खाना खिलाने में, लंगर खाने में ध्यान देना। फिर वो बुजुर्ग इतना कहकर खड़े हो गए और वही कैफियत वही मस्ती में आ गए। फिर आप फरमाते हैं कि हम वहां से चले आए। कुतुबुल अखताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मुर्शिद पाक के साथ एक बतावा एक और बुजुर्ग से मिले जो 100 बरस तक अल्लाह जल्ले शान हो की इबादत मुजाहिदात इबादत अदा कर रहे थे। एक दिन उस बुजुर्ग पे असरार मोहब्बत चमके, एक तजली जाहिर हुई तो वो बुजुर्ग तंग दिल थे, जाहिर कर दिया। जब जाहिर कर दिया तो वो चीज को खींच ली गई, उसकी अकल चली गई कि ये क्या हो गया। फिर आवाज आई, अगर तुम ये भेद को ये राज को जाहिर न करते तो हम तुम्हें यूं ही दिया करते, मगर तुमने इससे जाहिर कर दिया। फिर कुतुब लगता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, पीर के सामने नफ्स की निस्बत से बयान करते हुए कि नफ्स की दो अकसाम है, अव्वल नेक और दूसरा बद। अल्लाह जल्ले जलालू ऐसा कभी ना करे कि वो किसी पर नफ्स से बद हो। एक मरतबा मोइनुद्दीन गरीब नवाज सरकार की खिदमत में मैं हाजिर था। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं मुर्शद पाक उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खड़ा था कि शेख बुरहानुद्दीन नामी एक दरवेश जो मेरे हम रफी दोस्त थे, वो हम साया की शिकायत करने के लिए आए ख्वाजा मुर्शद पाक उस्मान हारूनी की खिदमत में और कहा कि हुजूर मेरा एक पड़ोसी है हम साया, उससे मैं बहुत परेशान हूँ और वो मुझे बहुत तकलीफ देता है और मेरे घर की दीवार के सामने उसने खिड़की निकाली है, बेपर्दगी होती है और तमाम काम नाजायज होते हैं। वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख बुरहानुद्दीन ने इतना कहा और मुर्शिद पाक उस्मान हारूनी ने उसे कहा, क्या वो जानता है तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, तुम हमारे साथ हो? तो वो मुरीद ने कहा, जी हुजूर वो जानता है कि मैं आपके मुरीदों में हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं, मुर्शिद पाक ने बस इतना कहा तो फिर वो कोठे से गिरकर मर क्यों नहीं जाता, उसकी गर्दन टूट क्यों नहीं जाती, जो हमारे मुरीद को परेशान नाजायज तरीके से परेशान करे। और ऐसे गुनाह है किसी को
तकलीफ देना। फिर गरीबनाथ फरमाते हैं, शेख बुरहानुद्दीन हम लोग मजलिस में बैठे रहे, कुछ आदाब बजाए, वापस गए, दरूद सलाम हुआ। फिर कल हमने सुना शेख बुरहानुद्दीन से कि वो जालिम जो हम साया था वो रात को कोठे से गिरा और गिर के उसकी गर्दन टूट गई। तो यही तो है अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की बात है। हुजूर कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा 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 कुतुबुद्दीन बख्तिया काकी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मैंने मुर्शिद पाक से पूछा, अगर मुरीद कोई नफिल नमाज पढ़ता हो और मुर्शिद उसको आवाज दे तो क्या करना चाहिए? क्या नमाज तोड़कर जवाब दे या ऐसा न करे? आपने फरमाया, बेहतर यह है कि नमाज नफल तर्क करके जवाब दें, इसमें सवाब ज्यादा है। फिर फरमाया, हाँ एक रोज मैं नमाज नफिल में मशगूल था और मुर्शद पाक ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आवाज दी, मैंने फौरन लब्बैक कहा, नियत तोड़ी, हाजिर खिदमत हुआ। हुजूर गरीब नवाज सरकार ने मुझे कहा, क्या कर रहे थे? मैंने कहा, हुजूर नफली नमाज पढ़ रहा था, आपकी आवाज सुनकर नियत तोड़ दी। हुजूर ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार ने फरमाया, अच्छा अच्छा किया, ये नमाज से नफिल से ज्यादा अफजल है, क्योंकि मुर्शद के काम में मशगूल रहना ऐन दीन के कामों से अफजल है, नफली नमाज से अफजल है। सुभानअल्लाह। मगर ऐसे मुरीद भी हो, ऐसे पीर भी हो, आजकल जैसे नहीं जो नमाज से ही रोकते। मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे भी लोग मेरे पास आए, बोले सरकार हम तो फला के मुरीद बने मगर दिल नहीं मारता, बन तो गए किसी के कहने से। मैंने कहा, क्यों नहीं मारता? बोले गए तो कहा हाथ पकड़ के, तू मेरा मुरीद, मैं तेरा पीर, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तू ही नमाज नहीं पढ़ता। क्या बात है। हमने कहा, भाई ऐसा क्यों, कौन सा सिलसिला है? बोले सिलसिले कलंद आए, कोई नमाज नहीं पढ़ता। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे भी है, अल्लाह हिदायत दे, ऐसे हालात में अच्छे पीर का साया मिले, वो भी बहुत बड़ी इबादत है। आखिरी बात समझाते हुए कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शद पाक ख्वाजा ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुर्शद से जो मुझे मिला है मैंने उसका हमेशा विर्द रखा, और तुमको भी वसीयत यही करता हूँ, जो भी वजीफा मुर्शद से मिले उसे पहले पढ़ो, फ़र्ज सुन्नत वाजिब के बाद पहले उस पर अमल करो। दुर्वेशी का नाम है मुर्शद की मोहब्बत। दुर्वेशी का नाम है आने वाला महरूम न जाए, भूखा पेट आए तो खाना खाए, नंगा हो तो कपड़ा पहने, हाजत जो हमसे बन पड़े तो उसकी पूरी हो। नामे मोहम्मद के बारे में एक मरतबा जिक्र हुआ तो सरकार ने फरमाया, सरवरे अम्बिया ताजदार रसूल खत्मुल अम्बिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक मोहम्मद के पांच हरफ हैं। अल्लाह जल्ले जलाल उन्होंने नमाजें भी पांच फर्ज की हैं, और अगर कोई पांचों नमाज की पाबंदी करे, फिर अगर नमाज में कुछ कोताही हो जाए या रह गई तो वो नाम मोहम्मद के वर्द को ज़्यादा वसीफ़ा करता रहे।
तो उसकी बदौलत से नमाज की कुछ कोताही कमियां इस नामे मोहम्मद की बरकत से अदा हो जाएगी, अदा हो जाएगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह जल जलाल जल शान उन्होंने एक फरिश्ता हाबिल नामी पैदा किया, उसकी हैबत बुजुर्गी का इल्म अल्लाह ही को है। यह फरिश्ता एक हाथ मशरिक की तरफ दूसरा हाथ मगरिब की तरफ फैलाए हुए हैं। जो कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो दो जुबानें हैं। ये फरिश्ता दीन की रोशनी और रात की तारीकी में है। मशरिक वाले हाथ में दीन की रोशनी का इंतज़ाम रखता है और मगरिब वाले हाथ में रात की तारीख का इंतज़ाम रखता है। ये फरिश्ता जब रोशनी हाथ से छोड़ता है तो तमाम दुनिया में रोशनी फैल जाती है और जब तारीकी छोड़ता है तो सारी दुनिया में तारीकी फैल जाती है। उस फरिश्ते के पास एक तख्ती लटकी हुई है जिसमें स्याह सफ़ेद लकीरें खींची है। उन लकीरों को देखकर कभी कभी वो फरिश्ता हाथ बढ़ा देता है तो दिन की ज़्यादा रोशनी, जब दूसरा हाथ बढ़ाता है तो रात की तारीकी। इसके सबब ये कभी दिन बड़ा और छोटा हो जाता है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत ये बयान करते हुए फिर रोने लगे और कहने लगे दुनिया में अल्लाह जल जलालहू ने ऐसे बंदे मौजूद हैं जो कुछ दुनिया में होता है, जो कुछ अजीब काम कुदरत का ज़हूर होता है वो उनकी आँखों के सामने आईने की तरह होता है। वो गैब की बातों का मायना करते हैं, पहले दुनिया को आगाह करते हैं। फिर सरकार गरीब नाज ने फरमाया अल्लाह जले शान होने एक फरिश्ता और भी पैदा किया है जिसका एक हाथ आसमान पर है और उससे हवाओं की हिफाजत करता है, एक हाथ जमीन के है जमीन पर है जिससे पानी की हिफाजत करता है। अगर वो फरिश्ता अपना हाथ खींच ले तो सारी दुनिया डूब कर मर जाए, अगर हवाओं से हाथ उठा ले तो तमाम दुनिया जेरो जबर हो जाए। हुजूर ख्वाजे ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक अरसे तक लोगों को वासे बिल्लाह करते रहे, तबलीग के दीन करते रहे, दीन का फरीजा अंजाम देते रहे, यहाँ तक के बारगाहे खुदाबंदी से बुलावा गया। 6 रजब हिजरी 634 में आपको इस जहान फानी से कुछ फरमाने का हुक्म आ गया। जिस वक्त आपकी रूह कब्ज हुई उस वक्त आपकी पेशानी की जल्द पे यानी चमड़ी में लिखा हुआ पाया गया हबीबुल्लाह माफी हुबुल्लाह अल्लाह जले जलालू जले शानों के हबीब ने अल्लाह की मोहब्बत में मिसाल पाया। ख्वाजे ख्वाजगा मोइनुद्दीन फखरे कोनो मका मोइनुद्दीन मुर्शद रहनुमा अहले सफा हादिये इंसो जान मोइनुद्दीन कुर्ब हक ए न्याजी अगर ख्वाई न्याज सरकार का ये लिखा हुआ है, बरेली में आपका मज़ार है और उस पाक के खानदान से कुर्ब हक ए न्याज अगर ख्वाई साजे विरदे जुबा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन यानी ए न्याज अगर तुझे ख्वाहिश है कि रूहानी
रूहानियत मिले, रूहानियत में तरक्की हो। अगर कुछ नहीं आता तो बस विर्द जुबान मोइनुद्दीन 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 करता रहे तो रूहानियत मिल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। ये करामत गरीब नवाज में हमने सुना और आखिर में महफिल गरीब नवाज में इल्म अदब इश्क व मोहब्बत की बात सुनी। अल्लाह तौफीक दे, रजब महीना भी शुरू हो गया है, बड़ी मुबारक रातें हैं, दिन भी है, उर्स भी है। अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करें, दरूद व सलाम पढ़े और पढ़ता पढ़ाते रहें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के इनाम, उनकी राह में खर्च का सवाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरु मिन नूरिल्लाह।